आप सब कैसे हो? तो आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तो भाई आज का मौसम दिखाऊं तो मौसम कुछ ऐसा हाल है। उत्तराखंड का मौसम, ये सुबह का मौसम है भाई, लगभग 7 बजे का मौसम है कुछ ऐसा। देख लो बादल ही बादल है। कल रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और शायद से लगभग 4 बजे, शायद से 4 या 5 बजे बारिश बंद हो गई थी और मौसम थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है। और देख रहे हो वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। तो यहाँ से सीधा लगभग 60 किलोमीटर पर केदारनाथ है, दिख रहा है यहाँ से। तो वहाँ काफ़ी महंगा बारिश हो रही है इस टाइम पे भी। वहाँ लगभग भाई हर समय बारिश होती है वहाँ पर केदारनाथ में। अगर जाओगे ना आप कभी भी, अगर बरसात के टाइम पे आते हो, ये बरसात ही चल रही है, अगर इस टाइम पे आते हो तो वहाँ भाई सुबह से लेकर शाम तक बारिश ही होती रहती है। मैक्सिमम 1 या 2 घंटे ऐसा होता होगा जिस टाइम में बारिश नहीं होती होगी, नहीं तो वहाँ बारिश होती रहती है भाई। तो मौसम की बात तो मैंने कर ली भाई, कि हमारे उत्तराखंड में कैसा मौसम है। काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला मौसम हो रखा है, ठीक है, हमारे उत्तराखंड में। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, तो ये एक और चीज़ है भाई, देख रहे हो आप, ये क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने लगभग 7 दिन पहले ऑर्डर करवाया था। ये क्या चीज़ है अभी बताऊंगा आपको मैं। तो मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूं कि मैंने लगभग 7 दिन पहले ये ऑर्डर करवाया था, आज मेरे घर में पहुंच चुका है, काफ़ी जल्दी आ गया। इसके चार्जेस पड़े हैं लगभग 200-250 रुपये के चार्जेस पड़े हैं इसके मेरे घर पे तक आने के लिए। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब मैं लद्दाख गया था तो लद्दाख में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं टेंट लेके आया था लद्दाख में, मतलब लद्दाख से काफ़ी पीछे हिमाचल में टेंट लेके आया था, एक टेंट लेके आया था हिमाचल में, मैंने आपको वीडियो में ही बताया था। और वो टेंट वेस्ट हो गया था, मतलब ख़राब हो गया था, टूट गया था, क्योंकि वहाँ काफ़ी भयंकर हवा चल रही थी इसलिए वो टेंट टूट चुका था, ठीक है। फिर मैं जैसे ही हिमाचल क्रॉस किया, उसके पीछे से मैंने एक और टेंट लिया, लगभग वो टेंट मैंने शायद से मनाली या शिमला में लिया था एक और टेंट मैंने। और उसके बाद लद्दाख में जाने के बाद वो टेंट भी, मतलब जब लद्दाख मैंने क्रॉस कर दिया था लद्दाख में ही, वो टेंट भी ख़राब हो गया था, काफ़ी ज़्यादा फट चुका था वो टेंट, वहाँ की हवा वो सहन नहीं कर पाया भाई टेंट, ठीक है। तो मेरे लगभग 3-4 या 4 हज़ार रुपये वेस्ट हो गए बिना बात के मेरे टेंट के। मैंने एक और टेंट मंगाया क्योंकि जो मुझे अगला ट्रैक करना है वो काफ़ी लंबा है, लगभग 4-5 हज़ार किलोमीटर के आसपास है वो ट्रैक, और मेरे हिसाब से 1 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि मैंने सिर्फ कन्याकुमारी नहीं जाना है, मैं वहाँ से फिर घूम के कहीं और भी जा सकता हूँ। कन्याकुमारी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये काफ़ी लंबा ट्रैक है, इसलिए मेरा कन्याकुमारी तक है। अगर मेरे पे थोड़ा बहुत अगर हिम्मत होगी आगे जाने की तो मैं आगे भी चले जाऊँगा, उसके आगे काफ़ी जगह है जाने के लिए, या वापस आके कहीं और निकल जाऊँगा, या थोड़ा सा वापस आके सीधा थाईलैंड निकल जाऊँगा। मेरा कोई प्लान नहीं भाई, मैं कुछ अभी बता भी नहीं सकता इस चीज़ के बारे में, क्योंकि अभी कन्याकुमारी की बात करूँगा, क्योंकि मैंने कन्याकुमारी तक ही कागज़ बनाए हैं, तो अभी वहीं तक बात करूँगा, उसके आगे बात नहीं करूँगा आपसे भी, वो सब आपको वीडियो में दिख जाएंगी। तो ये मैंने 7 दिन पहले ऑर्डर करवाया था, आज जाके मेरे घर पे आया, आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये एक और टेंट है, देखते हैं ये टेंट मेरा कितना साथ देता है। जो इससे पहले मैंने 2 टेंट मंगाए थे उन्होंने तो भाई साथ नहीं दिया, बिल्कुल पैसा वेस्ट ही हो गया मेरा, ठीक है। अब करूँगा मैं इस टेंट की अनबॉक्सिंग भाई, जो लगभग मेरा अभी सुबह के टाइम पे आया है, ठीक है। मुझे काफ़ी जल्दी हो रही थी, मैंने रैपर फाड़ दिया भाई इसका, ऊपर का निकाल दिया, ठीक है। और इस टेंट की सलाह मुझे मेरे भाई ने दी है, मैंने अपने भाई से पूछा था कि भाई मुझे कोई अच्छा टेंट देखना है जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो आगे जाने की, और काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने भाई को कॉल करके पूछा, क्योंकि वो दिल्ली रहता है। तो उसने मुझे बताया कि भाई ये टेंट सबसे बेस्ट है, और ये कंपनी ये टेंट टेंट का ही काम करती है, मतलब टेंट ही बनाती है ये कंपनी, और ये टेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने टेंट ऑर्डर करवा दिया, आज मेरे घर पर आ गया, इसलिए आज इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ भाई मैं। तो इसी करते हैं अनबॉक्सिंग, और अभी मैं आपको इसकी कंपनी का नाम ही बताऊंगा और इसका प्राइस बताऊंगा ये कितना क्या पड़ा मुझे भाई, ठीक है। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद आपको इसका प्राइस बताते हैं, सब चीज़ बताते हैं। तो भाई काफ़ी बड़ा बॉक्स दिया हमने, और ये देखो भाई ये है टेंट। तो भाई ये है डेकलॉन कंपनी का टेंट है भाई, जो मैंने इस बार ऑर्डर करवाया है, और ये समथिंग मुझे लगभग 3 हज़ार का पड़ा है मेरे को टेंट, ठीक है। जिससे पहले जो मैंने टेंट लिए थे वो लगभग मेरे को 2 हज़ार के आसपास पड़े थे टेंट, मेरे को दोनों टेंट 2000-2500 के आसपास पड़े थे, और ये वाला टेंट मुझे 3 हज़ार के आसपास पड़ा है टेंट। आप चाहे तो रेट भी देख सकते हो, यहाँ पर चिट कहाँ गया, इसका चिट मिलना चाहिए था, चिट कहाँ गया, ये देख रहे हो आप यहाँ पर लिखा हुआ है रेट। तो ये मुझे 3 हज़ार का पड़ा है ये टेंट, और
मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ कि ये टेंट कितना अच्छा है या कितना बढ़िया है, क्योंकि मैंने ये पहली बार लाइफ में यूज़ किया है, इसलिए मैं इस टेंट के बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। जब मैं इसे यूज़ करूँगा तब जाके इस टेंट के बारे में बताऊँगा कि ये टेंट कैसा है। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं ये टेंट कैसा है। तो एक बात है, इनकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है भाई, और टेंटों से काफ़ी अच्छी पैकिंग है इनकी। तो देख रहे हो भाई, ये कुछ ऐसा है टेंट, काफ़ी अच्छी पैकिंग करके हुई है भाई। तो सर ऐसे ये इसका रैपर है, कवर है इसका, ठीक है। और इसके साथ दो मिल, अरे भाई इसके साथ दो हैं। ये कुछ अलग टेंट है भाई। और जो इससे पहले जो मेरे पास टेंट था वो बस एक ही था, बस इसके साथ दो मिले हैं, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं अभी तक मैंने इसे खोला नहीं है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं कि ये दो किस चीज़ के हैं। दो कवर हैं इसके साथ, एक साइज से ऊपर का हो सकता है कि नीचे का हो सकता है। तो इसे पूरा खोलते हैं एक बार, इसको रखते हैं साइड और इसके साथ ये। तो देख रहे हो भाई, ये मैंने खोल दिया टेंट पूरा, और ये इसका साइज से नीचे का हिस्सा है, और ये वाला साइज से इसका ऊपर का हिस्सा है, जिससे मैं इसका ऊपर का हिस्सा ये वाला साइज से। और इस टेंट को एक बार खोलते हैं और समझते हैं इसे भाई किसे लगाना कैसा है। अभी तक मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, एकदम से धूप आ गई। और देख रहे हो ये एक, ये जो देख रहे हो ये इसके साथ स्टिक मिली हुई है खड़े करने के लिए, देख रहे हो ये चारों तरफ से है, ठीक है। और ये टेंट मैंने आज ज़्यादा फिक्स कर दिया है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे ये हुक लगाना है इस पर, जो हुक आप देख रहे हो, ठीक है। इनको लगाते हैं, उसके बाद इस कपड़े को डालते हैं, और उसके बाद हमारा टेंट तैयार हो जाएगा भाई, ठीक है। देख रहे हो भाई, ये अपना टेंट तैयार हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा है भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है भाई, बहुत ज़्यादा। इसका जो कपड़ा है भाई वो काफ़ी अच्छा है, और ये बारिश से मुझे बचा के रखेगा, हवा से बचा के रखेगा, क्योंकि इसके साथ मुझे काफ़ी चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। और देखते हैं इसके साथ क्या और है, ये तो इसकी वो है। तो यहाँ अंदर और कुछ है इसके, ये रस्सी है, ये रस्सियाँ कहाँ लगेगी, इसका तो मुझे कुछ पता नहीं है रस्सी का। हाँ ठीक है, समझ गया, ठीक है। दो दो रस्सियाँ, तीन तीन रस्सियाँ, और कुछ है ये, भाई मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी अच्छी है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी, मतलब एक आप ये कह लो कि आप हथौड़े से भी इसे मारोगे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है भाई, काफ़ी ज़्यादा हार्ड। इससे पहले जो मेरे पास स्टैंड था उसका भाई काफ़ी ज़्यादा बोल सकते कि थोड़ा सा भी अगर पत्थर से मार रहे थे उस पर तो पूरा मतलब बैंड हो रहा था, मगर ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और ये काफ़ी अच्छा है भाई। इससे पता चलता है कि टेंट काफ़ी अच्छा है, मगर फिर भी मैं इसे यूज़ करूँगा, जब मैं ट्रैक पर चलूँगा तब जाके इसे यूज़ करूँगा, तब जाके इसे पता चलेगा मुझे कि ये टेंट किस हिसाब से है भाई, ये बारिश से या बर्फ़ से कितना बच सकता है टेंट। और जब मैं टेंट को जब ट्रैक पे यूज़ करूँगा तभी जाके पता चलेगा। इससे पहले जो टेंट थे वो बिल्कुल ख़त्म, बोलते ना कि बिल्कुल लो क्वालिटी के टेंट थे, वो मैंने ऐसे लिए थे, मैंने सोचा जहाँ मुझे अगर बाई चांस होटल नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर लगाने के काम आएंगे, और उस टाइम पर गर्मियों का टाइम भी था भाई काफ़ी भयंकर, इसलिए मैं उस टेंट को लिया था मैंने, मगर मुझे आगे जाके काफ़ी दिक्कतें हुई थी, इसलिए वैसा टेंट मैं कभी गलती से भी नहीं लूँगा। कंपनी का टेंट ही सही रहता है सबसे बढ़िया, ठीक है। और इस टेंट का प्राइस बता दूँ कि ये टेंट ज़्यादा महंगा नहीं है भाई, इसमें दो आदमी सो सकते हैं, और ये 3000 का टेंट है, ठीक है, ज़्यादा महंगा टेंट नहीं है, इससे महंगे महंगे भी है। कंपनी काफ़ी अच्छा टेंट बनाती है, मैंने देखे थे इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग थी, ठीक है। इसको देखते हैं भाई, इसको फिट करके देखते हैं ये क्या सीन है इसका। तो आपको बता दूँ ये हवा से बचाने के लिए रहते हैं शायद से,
कि आपके टेंट को कोई दिक्कत ना है। तो देख रहे हो यहाँ पर दे रखा है एक यही रस्सी और एक यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ये होगा शायद से, ये है यहाँ पर, उसके बजाय यहाँ पर ये दे रखा है लगाने के लिए, ठीक है। और एक यहाँ पर है, तो चारों तरफ है लगे हुए। और कील ठोकने के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर, और ये कील कुछ ज़्यादा ही कील है। तो देख रहे हो ये कुछ दे रखे उनने, ठीक है। तो आप इसके अंदर भी एक कील डाल सकते हो, ठीक है, जो आप आपको दे रखे हैं इसके अंदर भी डाल सकते हो। वैसे यहाँ पर लगाने के लिए हो बेसिकली, इस जगह पर लगाने के लिए। और टेंट देख सकते हो भाई, टेंट कुछ ऐसा है। यहाँ पर चैन लगी हुई है, देख लो ये चैन है, ठीक है। तो आप इसे खोल सकते हो और टेंट कुछ ऐसा है भाई, देख रहे हो। वाह भाई, दो आदमियों के सोने के लिए भाई बहुत अच्छा टेंट है भाई। ये क्या है भाई, तो टेंट का व्यू कुछ ऐसा है। और अंदर चलते, ओ भाई बहुत गर्मी हो रही है टेंट के अंदर। तो मेरा टेंट कुछ ऐसा है, ठीक है। ये बांधने के लिए पता नहीं क्या चीज़ है। अभी मैं इस टेंट को पूरा समझूंगा, जब इस ट्रैक में इस टेंट को यूज़ करूंगा तभी जाके इसके समझ पाऊंगा मैं अच्छी तरह से। और अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, ये देख रहे हो आप। ऊपर पे लाइट लगाने के लिए, ये मेरे पिछले वाले टेंट में नहीं थी ये चीज़ें, ये सुविधा भाई कुछ भी नहीं था ऐसा भाई, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, मैंने काफ़ी अच्छा कलर यूज़ किया इसका। ये देख रहे हो आप लाइट के लिए। और यहाँ पर ये जाली लगी हुई है, जाली का कुछ काम है क्या यहाँ पर, बिना बात की देखिए जाली शायद से होगा कुछ काम, इसी के बारे में पता नहीं। अरे वाह, यहाँ पर एक और चीज़ है, आप चाहे तो यहाँ पर अपनी बुक्स या अपने फ़ोन चार्जर इस जगह पर रख सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी सुविधा है भाई इसमें टेंट के अंदर। हाँ, देख रहे हो। तो अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा व्यू है अंदर का। और बाहर से कुछ ऐसा आता है भाई व्यू, यहाँ पर ये क्या चीज़ है। चलिए टेंट में कुछ अलग ही दिख रहा है भाई, मतलब मेरे समझ से बाहर है थोड़ा थोड़ा। शायद से हवा पास करने के लिए है, शायद से स्ट्रीक टाइप की इस पर लगी हुई है। और क्या क्या चीज़ है इसमें, अभी मैंने पूरा टेंट सेट नहीं किया है। वैसे काफ़ी सेट करना पड़ता है इसे, देख रहे हो अंदर से काफ़ी चीज़ें बांधनी पड़ती है इसकी, मगर अभी सेट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पैक भी करना है सीधा। और पसीने भाई कि अभी इतनी भयंकर धूप हुई, बहुत भयंकर धूप, और एकदम से मौसम चेंज हो गया। और ऐसे पसीने भैया तो मुझे लद्दाख में दिखे थे, लद्दाख जब मैं लद्दाख के ट्रैक पे थे उस टाइम पे इतने ख़तरनाक पसीने थे, ये तो इस टाइम पे जिस टाइम पे मैं ये काम कर रहा हूँ। तो देख रहे हो फिर मौसम ख़राब हो गया, अभी काफ़ी अच्छी भयंकर धूप लग गई थी, बहुत भयंकर धूप, ठीक है। मौसम साफ़ हो जाता मेरे हिसाब से कल तक, मगर गूगल में तो भाई ये बता रहा है कि मौसम ख़राब है, लगभग 7-8 दिन तक लगातार मौसम ख़राब है, देखते हैं कल क्या होता है। तो मेरे टेंट का कुछ व्यू ऐसा है भाई। तो हमारे टेंट की अनबॉक्सिंग होगी जो हमने ऑर्डर करवाया था, तो ये प्लानिंग कन्याकुमारी के लिए हो रही है, ये प्लानिंग अच्छे से, क्योंकि इससे पहले अच्छे से प्लानिंग नहीं हुई थी, मगर इस बार काफ़ी अच्छे से प्लानिंग हुई, क्योंकि जो लद्दाख का ट्रैक था उसमें मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, हर चीज़ का सामना करना पड़ा। मगर मैं ये चाहता हूँ कि जो कन्याकुमारी का ट्रैक होगा, जो लगभग उससे दुगुना चौगुना बोल सकते हो, लद्दाख से लगभग काफ़ी दूर है, तो मैंने चाहता हूँ कि उसमें मुझे कोई दिक्कत हो, इसलिए मैं पहली जो मेरा सामान है उसे पूरा इकट्ठा कर रहा हूँ अच्छी तरह से, कि मुझे आगे जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई भी अगर कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ बतानी है आपको, तो आप भी कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, ओके बाय, टेक केयर।